हाय, दिस इज पूनम शर्मा एंड वेलकम टू सद्भावना न्यूज। ट्रिंग ट्रिंग, हेलो, थाने से बोल रहे हैं, कोरोना की जांच करना है। सर, मैं नगर निगम से बोल रही हूँ, हीरानगर थाने से। स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा बदसलूकी का व्यवहार किया जा रहा है। एक समय था जब डॉक्टर को लोग भगवान का दर्जा देते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में जिस तरह से इस सेवा के पेशे में पैसों का व्यवहार बढ़ा है, उसी का परिणाम है कि कुछ डॉक्टरों का एटीट्यूड भी बिगड़ता ही जा रहा है। चाहे घटना हाल ही में हुए MY चिकित्सालय की हो, जहां डॉक्टरों ने गुंडागर्दी का रूप दिखाया, या प्राइवेट अस्पतालों में फीस के विवाद पर डॉक्टरों की बदतमीजियां हो, ऐसी शिकायतें अक्सर सुनने में आने लगी हैं। हालांकि ऐसे कुछ ही डॉक्टर हैं जो शिकायत का मौका देते हैं, अधिकतर डॉक्टर शिकायत का मौका नहीं देते। हाल ही में कुछ डॉक्टर द्वारा कोरोना मरीजों के घर जांच करने जाने के नाम पर बदसलूकियां की जा रही हैं। ऐसा ही एक उदाहरण 30 दिसंबर को देखने में आया, जहां मेघदूत नगर निवासी श्री अरुण कुमार, जो कि कोरोना पेशेंट हैं, उनका परिवार रहता है। आप खुद सुनिए कि एक डॉक्टर महिला अधिकारी किस तरह से कोरोना पेशेंट के घर फोन लगाकर रौबदारी से बोलती है कि हम हीरानगर थाने से बोल रहे हैं, कोरोना की जांच करने के लिए आना है। सर, मैं आपके घर ही जा रही हूँ, हीरानगर थाने से। सवाल ये उठता है कि जांच अधिकारी नगर निगम द्वारा भेजे जा रहे हैं या थाने द्वारा? ज्ञात हो कि एक शरीफ आदमी के घर जब थाने के नाम से फोन जाता है, तो उसके दिमाग में, उसके मन में अपने आप एक डर बैठ जाता है, जो किसी के हार्ट अटैक का कारण भी बन सकता है। हाँ, तो सर, हीरानगर थाने से बात कर रहे हैं, तो वहीं से बोलूंगी ना मैं। अब सवाल ये है कि कोरोना पेशेंट के घर जांच दल का जाना तो ठीक है, लेकिन थाने का नाम लेकर जाना या थाने के नाम से फोन लगाना कहां तक ठीक है, और इसकी अनुमति किस गाइडलाइन के तहत दी गई है? क्या ये बात उच्च अधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों से कही गई है कि आप थाने का नाम लीजिए, या जांच दल के लोग अपनी चमक दिखाने के लिए थाने का नाम लेकर किसी शरीफ आदमी को परेशान करते हैं? एक दूसरा सवाल ये कि कोरोना की जांच या बेइज्जती? वर्तमान समय में जबकि कोरोना के प्रति सभी मीडिया और प्रशासन अपने स्तर पर व्यापक प्रचार प्रसार कर रहे हैं, कोरोना पॉजिटिव होने पर क्या क्या सावधानियां बरतना है, ये बात आम आदमी भली भांति जानता है। इसके उलट जब जांच दल संक्रमित व्यक्ति के घर जाता है, तो उस संक्रमित व्यक्ति के घर के बाहर कुर्सी लगाकर बैठ जाता है, जहां पूरे मोहल्ले के लोग उस घर को उत्सुकतावश देखते हैं, और संक्रमित व्यक्ति का परिवार अपने आप में छुआछूत सा महसूस करता है, और ये महसूस करता है कि उससे कहीं कुछ अपराध तो नहीं हो गया। प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि जांच दल द्वारा कोरोना के प्रति जन जागृति फैलाई जाए, और अच्छा व्यवहार करके मोहल्ले के लोगों को समझाइश दी जाए, ताकि संक्रमित परिवार को बेइज्जती महसूस ना हो। पावर्ड बाय आर्थ्रोस क्लिनिक, अ डेडिकेटेड सेंटर फॉर आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरीज।